सर मेरा नाम रामचंद्र प्रजापति, फेरी पट्टी ठेला पे साथ समिति सादा सहना के सचिव। सर ये परिवर्तन दल वाले जो है ये सरकार को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। सरकार एक तरफ हम लोगों को स्वनिधि के माध्यम से आगे जीवन बढ़ाने के लिए, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि के माध्यम से हम लोग को लोन दिया जा रहा है। आज हमारे माताजी के साथ में जो अत्याचार किया गया है, उनके ठेला को छीन के, उनको ढकेल के, उनके खीरा ककड़ी सब्जी को फेंक के, उनको ढकेल के वो हाथ जोड़ती रही हो, वो लोगों से बोलती रही हम हटा लेंगे सब, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को ढकेल के ठेला को लाल लगे। सर मुझे सूचना मिला, सर मैं भागे यहाँ पे ऑन द स्टाफ उनका मौत हो गया। सर मैं हॉस्पिटल लेके गया दिखाने के लिए, बोलेगा घर पे लेके जाए। सर रामचंद्र प्रजापति जी को 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने इनको पीएम स्वनिधि का लोन दिया। नहीं माँ मेरी बीमार नहीं थी सर, माँ मेरी बीमार नहीं थी सर। अभी उनके जाने के बाद में दुनिया क्या कहती है मुझे पता नहीं सर, लेकिन मेरी माँ बीमार नहीं थी सर। सर मेरा कहना बस यही है कि हम पूरे बनारस की माँ ये थी, सिर्फ सारनाथ की माँ नहीं थी सर, ये 24,772 बेंडरों की ये माँ थी। सभी लोग आके इनके पैर पड़ते थे बहुत खुशी खुशी आशीर्वाद लेने के लिए सर, पूरे बनारस, चाहे कभी चौरा हो गया, चाहे लौरा भी हो गया सर। डीएम साहब आए, नगर भी हो गया सर, सब आए यहाँ पे, तभी बात बनेगी। जब से उच्च अधिकारी नहीं आएंगे, डीएम साहब नहीं आएंगे, नगर आयुक्त महोदय साहब नहीं आएंगे, हमें लिखित आश्वासन नहीं देंगे कि आपको बेंडिंग जोन कहाँ है, कब तत्काल आपको व्यवस्थित किया जाएगा, हमारी उचित मुआवजा हमें मिले, और जो कार्रवाई होना चाहिए उचित कार्रवाई हो नगर निगम के प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, जिन्होंने ये हम लोगों की हिटरेशाही, जो तानाशाही हम लोगों के साथ में किए हैं सर, कि आइंदा ये कार्रवाई होनी चाहिए लिखित रूप से, उचित कार्रवाई होनी चाहिए सर लिखित रूप से, बिल्कुल मुकदमा दर्ज होना चाहिए सर। आज मेरी माँ गई है, कल किसी और की माँ जाए, कल किसी और का भाई जाएगा, ये तो अभी शुरुआत है, 4 महीने चलने वाला ये प्रोग्राम। अभी हाल में आपको प्रधानमंत्री सम्मानित किए थे। बिल्कुल सर 24 तारीख सर। देखिए हम लोग समाज के प्रति काम करते हैं सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि जो भी योजना है, जो नीचे के तबके वाले हैं उनको भी योजना मिले, उसमें हमारा संगठन काम करता है सर। आज बनारस में पीएम स्वनिधि के माध्यम से जो लोन सबको मिला है, तो ये फेरी पट्टी ठेला व्यवसाय समिति की वजह से प्रधानमंत्री जी को सपनों को साकार कौन कर रहा है, ये हराम किसी को, जो नगर निगम के अधिकारी ये कर रहे हैं, इन्होंने एसी में बैठा था सर, हम लोगों ने पीएम स्वनिधि को जन जन तक पहुंचाया है सर। इससे पहले मैं पूर्व में डीएम हुआ करते थे कौशलराज शर्मा जी के, उनको अवार्ड मिला है, तो पटरी व्यवसायियों को जैसे मिला है, पहला प्रथम स्थान मिला है डीएम साहब को यहाँ। अभी 24 तारीख को हमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा 50,000 रुपए का चेक मिला सर। उनका कहना है कि मालूम है नीचे के तबके वाले को कोई नजर नहीं जाता है सर, उनका नजर गया है हम लोगों को ऊपर लाने के लिए, हम लोगों का रोजी रोजगार और बढ़ाने के लिए। ये जो निकम्मे अधिकारी है ना, पुराने टाइम के जो हराम खोर खाए खाए हैं ना सर, हरामी का पैसा खाए हैं ना, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में जो बाधक बन रहे हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूँगा, आदरणीय अपने महाराज जी से भी निवेदन करूँगा कि ये भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए सर,
इससे काशी के भला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब दीमक है। इनके सपनों को जमीन पर उतरने नहीं देंगे सर। एक तरफ बेंडिंग जोन बना रहे हैं सर, एक तरफ निरस्त कर रहे हैं, ये क्या मतलब है सर? तत्काल रूप से लिखित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मतलब है सर? जो निरस्त हुए हैं उसको एक दिन हमारे अध्यक्ष हुआ करते हैं नगर आयुक्त महोदय जी, टीबीसी की बैठक नहीं हुआ सर कि आप पहले बेंडिंग जोन बनाए फिर कैसे आप निरस्त कर दिया? क्या हम लोगों के साथ बैठक आपने किया? नहीं किया सर, आज तक ने कभी क्यों नहीं किया सर? आप जब चाहेंगे बना देंगे, जब चाहे तो निकाल देंगे सर। देखिए सर, इसमें यातायात आता है सर, PWD आता है सर, BDA आता है सर, नगर निगम आता है सर। ये निरीक्षण किए तो क्या अंधे थे? बिना NOC के सर कैसे हो सकता है सर बताइए? बिना चार विभाग के NOC के बिना बेंडिंग जोन कैसे बन सकता है सर? मेरे पास यहाँ पूरे 75-76 लोगों का सर सर्टिफिकेट के साथ में मेरे पास प्रमाण पत्र है सर, मैंने सबको वितरण किया है सर। आज अपने मन से कहेंगे कि बेंडिंग जोन नहीं है सर, कैसे हो सकता है? लगातार सरकार के साथ डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।